हेलो गाइस, तो ये आप देख रहे होंगे मेरे पास है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 फोन। ये इन्फिनिक्स का बजट स्मार्टफोन है, 7000 के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में इजीली मिल जाता है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसे अनबॉक्स, देखेंगे कैसा ये स्मार्टफोन है, क्या इसे परचेस करना सही होगा या नहीं, सब कुछ जानेंगे इस स्मार्टफोन से रिलेटेड इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने से पहले एक नजर इसके बॉक्स पर डाल लेते हैं। तो देखिए, ग्रीन कलर का बॉक्स दिया गया है, फ्रंट में स्मार्ट 6 बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है और इन्फिनिक्स का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। और वहीं बैक साइड की बात करें तो इस स्मार्टफोन से रिलेटेड इसके मेन फीचर हाईलाइट किए गए हैं, जैसा यहां पर आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 का। तो चलिए अब जल्दी से हम इसे ओपन करते हैं। तो जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पर ऊपर में ही रखा गया है फोन। अभी फोन को रखते हैं साइड में और भी चेक करते हैं अंदर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एक दिया गया है सिम इजेक्टर टूल, यूएसबी टाइप बी चार्जिंग केबल, 10 वाट का एडाप्टर दिया गया है और ये देखिए चमचमाता हुआ एक वेलकम टू एक्स क्लब यानी कि एक्स क्लब का पासेस दिया गया है। और ये रहा कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और बॉक्स के अंदर टीपीयू केस भी दिया गया है। तो ये है ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस जो हार्ड है और इस पर टेक्सचर डिजाइन दिया गया है। तो केस भी ठीक ठाक है, उतना बढ़िया नहीं बोल सकते हैं। तो बस बॉक्स में यही सारे चीज दिए गए हैं, सब कुछ रखते हैं साइड में। तो गाइस, ये रहा इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 फोन। जैसा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी कुछ इसके फीचर हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहले इसे अनरैप कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये मेरे पास लाइट सी ग्रीन कलर में अवेलेबल है, काफी खूबसूरत कलर है। इसमें और भी 2-3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। प्लास्टिक बैक बॉडी दिया गया है, ग्लोसिप सा लुक देखने को मिल रहा है, चमचमाता हुआ दम लुक दिया गया है। ग्लोसिप के चलते आपको हमेशा केस लगा कर रखना होगा, अदरवाइज स्क्रेचेस देखने को मिल सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इस स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो केस लगा लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रेचेस देखने को सकता है। और यहाँ पर देखिए, स्क्वायर सेम में कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, हल्का कैमरा ऊपर के साइड बम्प है और यहाँ पर बगल में मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। फिंगरप्रिंट स्कैनर का पोजीशन मेरे अनुसार थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो डिजाइन और लुक्स इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और हाथ में लेने पर काफी लाइट वेट लग रहा है, काफी हल्का ये स्मार्टफोन है और स्लिम भी है, जैसा यहाँ पर आप साइड से देख रहे होंगे। और हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूज कर इस स्मार्टफोन को बनाया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी भी इसका अच्छा दिया गया है, सॉलिड है बिल्ड क्वालिटी, कोई भी दिक्कत नहीं। अब चलिए एक नजर डालते हैं इस स्मार्टफोन के पोर्ट्स और बटन की ओर। तो राइट साइड में दिया गया है वॉल्यूम बटन, जस्ट उसके नीचे दिया गया है पावर ऑन ऑफ बटन और नीचे साइड दिया गया है 3.5 mm ऑडियो जैक, माइक्रोफोन, यूएसबी बी पोर्ट दिया गया है और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। और लेफ्ट साइड में मिलता है सिम ट्रैक स्लॉट और ऊपर साइड बिल्कुल क्लीन है। और इन हैंड फील की बात करें तो ये फोन काफी बड़ा है साइज में, जैसा आप सब देख रहे होंगे, और हाथ में काफी परफेक्ट फिट हो जा रहा है और लाइट वेट भी है, तो इसका जो इन हैंड फील है काफी अच्छा है। अब चलिए फोन को बूट करते हैं, मिलते हैं आपसे बूट होने के बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो जैसा मैंने आप सबको पहले ही बताया कि फोन काफी बड़ा है, 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, IPS LCD पैनल यूज किया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है जैसा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है, 500 nits के ब्राइटनेस के साथ आता है। बेजल्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफी चौड़े दिए गए हैं। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आप 1080p पर वीडियो चला सकते हैं, फुल HD में वीडियो यहाँ पर चला सकते हैं। यहाँ पर वीडियो सैंपल आप देख रहे होंगे, काफी क्लीन देखने को मिल रहा है। और व्यू एंगल की बात करें तो व्यू एंगल ठीक ठाक है, उतना बढ़िया नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर व्यू एंगल काफी बढ़िया है। तो डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। अब चलिए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इसमें दिया गया है MediaTek Helio A22 चिपसेट, जो 12 mm बेस प्रोसेसर है और 2 GB रैम दिया गया है, 1 GB वर्चुअल रैम देखने को मिलता है, LPDDR4X के साथ रैम आता है। और स्टोरेज की बात करें तो 64 GB का स्टोरेज दिया गया है। दरअसल इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में 64 GB का स्टोरेज दिया गया है, जो स्टोरेज eMMC 5.1 के साथ आता है। अब चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में XOS देखने को मिलता है, तो इसमें XOS 7.6 दिया गया है जो बेस्ड है Android 11 पर।
और इसमें हल्का फुल्का प्री इंस्टॉल ऐप्स देखने को मिल जाता है, तो आप चाहें तो इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं जैसा यहाँ पर आप देख रहे होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर आप इस स्मार्टफोन में गेम खेलना चाहते हैं तो नॉर्मली गेमिंग कर सकते हैं, जैसे टेंपल रन खेल सकते हैं, कैंडी क्रश खेल सकते हैं, सबवे सर्फर खेल सकते हैं, और हाई डेफिनेशन गेम जैसे बीजीएमआई और सीओडी जैसा गेम खेलना चाहते हैं तो आप तो इस स्मार्टफोन में खेलेंगे, लेकिन बहुत ही लो सेटिंग पर आपको खेलना पड़ेगा और उसमें से भी लैग देखने को मिल सकता है। लेकिन डेली लाइफ यूज के लिए काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, जैसे यूट्यूब चलाना हो, फोन अटेंड करना हो, म्यूजिक सुनना हो और सेल्फी लेना हो तो काफी बढ़िया है। अब चलिए बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो रेयर में डुअल कैमरा दिया गया है, लेकिन देखने से लगता है कि ट्रिपल कैमरा दिया गया है, लेकिन डुअल कैमरा है। दो सेंसर दिए गए हैं, जो पहला इसका मेन सेंसर है 8 मेगापिक्सल का और दूसरा डेप्थ सेंसर दिया गया है, और डुअल लेड फ्लैश भी दिया गया है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है, लेड फ्लैश का भी सपोर्ट है यहाँ पर भी। इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में तो काफी सारे फीचर दिए रहते हैं कैमरा में, जैसे इसका जो मेन फीचर है HDR मोड हो गया, ब्यूटी मोड हो गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया, और वीडियो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और रेयर से 1080p पर, फुल HD से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और टाइम लैप्स ले सकते हैं। और यहाँ पर रहा कुछ कैमरा सैंपल आपके सामने, जैसा यहाँ पर आप देख रहे होंगे। कैमरा देखिए उतना बेटर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसमें 5000 mAh का बैटरी बैकअप दिया गया है, 10W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर काफी बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पर। अब चलिए बात करते हैं इसके सेंसर के बारे में, तो कौन से सेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है रेयर साइड में, जैसा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और फेस अनलॉक सेंसर दिया गया है। और इसमें कुछ सेंसर है नहीं, जैसे जायरो सेंसर नहीं है, बैरोमीटर नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसमें डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट दिया गया है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट दिया गया है। अब चलिए इस स्मार्टफोन का ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप ऑडियो सुनिए। तो जैसा यहाँ पर आपने ऑडियो सुना, मुझे तो काफी इसका लाउड लगा, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन मुझे ऑनलाइन पड़ा है 6999, यानी कि 6999 रुपया का ये स्मार्टफोन है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली जाकर आप परचेस कर सकते हैं। तो ये रहा इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 का अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्हें भी बजट में स्मार्टफोन परचेस करना है तो उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि एक आइडिया लग जाए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।